नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और मैं हूं जगदीश। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में जिला स्तरीय 73वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास और उमंगों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजाति राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया द्वारा ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह के दौरान क्षेत्रीय विधायक गणेश गोगरा एवं नवागंतुक जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एटीएम कृष्णपाल सिंह चौहान, सीईओ अतुल प्रकाश, आईएएस एसडीएम मणिलाल तिरगर, समाज सेवी भरत नागदा, सभापति अमृत कलासुवा एवं नगर परिषद आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित आदि तमाम जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। समारोह का शुभारंभ राज्य मंत्री बामनिया द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुआ। राज्य मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर शहीदों को नमन करते हुए राज्य सरकार के विकास के क्षेत्र में प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर 42 कार्मिकों सहित अन्य जनों को सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस के चलते कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। वृद्धजनों एवं स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया। इस समारोह में लोकप्रिय जिला कलेक्टर शुभम चौधरी द्वारा उपस्थित सभी जनों का तहदिल से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही जिले भर में गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाए जाने का समाचार है। इसी क्रम में पुलिस लाइन में झंडारोहण पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी द्वारा किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में शुभम चौधरी जिला कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मेडिकल कॉलेज में श्रीकांत असावा प्राचार्य द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अमृतलाल कलाल द्वारा, जिला आबकारी निरीक्षक कार्यालय में सोहनलाल निरीक्षक आबकारी द्वारा, पुलिस थाना वर्धा में थाना प्रभारी रामेंग पाटीदार द्वारा, साथ ही सुदूर ग्रामीण अंचलों में राव मावी बेड़ा ज्योत्री के प्रधानाचार्य फतेहलाल डिंडोर द्वारा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुराता में सरपंच महिपाल रोध द्वारा, विकास नगर में राकेश जोशी द्वारा, मऊड़ी में धन प्रकाश यादव द्वारा, वागदरी में गजेश जोशी द्वारा, महारावल स्कूल में हरीश रोध द्वारा एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दौड़ा में प्राण जीवन शाह एवं एसीबीओ अजय जैन द्वारा ध्वजारोहण किए जाने का समाचार है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।